इस सब के बाद भी, इस स्ट्रगल के बाद भी, व्हाई वुड यू रेकमेंड एवरीवन टू कम टू कनाडा? So I will not ask everyone to come to Canada. It's only for people who are looking for a better life, improving their lifestyle, standard of life, and enjoying a place which gives you opportunities. क्योंकि in today's time मैं जितनी proud Indian हूँ उतनी ही proud Canadian हूँ. Because Canada has given me lot of new ways of looking at things. यहाँ पे multicultural society है, so acceptance for you is easy. And your acceptance for other people is easy and you flower very nicely. और मैंने अपनी फैमिली के साथ देखा कि इट गेव अस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ग्रो एंड स्पेशली यंग पीपल हु आर कमिंग टू कनाडा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे विल रियलाइज दैट कनाडा गिव्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी. कनाडा में आपको अब जैसे पैंडमिक के टाइम में देख लो आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन वी आर कीपिंग आवर सेल्फ सिक्योर ऑल्सो. स्कूल्स में आप लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज, लेकिन उसके साथ साथ दे ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी एनवायरनमेंट सेफ हो. मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आधी रात को 12 बजे देख रही हूँ लड़कियां स्ट्रीट पे टिम हॉर्टन्स के कप लेके घूम रही हैं. आई डो नॉट नो कितनी कंट्रीज में बच्चे ऐसे घूम सकते हैं आधी रात को कंफर्टेबली दैट दे आर सिक्योर एंड नोबडी विल डू एनी हार्म टू देम. सो उस चीज को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि इट इज अ सेफ एनवायरमेंट. और लोग भेजते हैं इंडिया से तो खुला हुआ यहाँ पे बच्चे आते हैं एंड किसी को डर नहीं होता कि यहाँ पे उनके बच्चे सेफ नहीं होंगे या सिक्योर नहीं होंगे. और बच्चे भी यहाँ पे मैं देखती हूँ दे डू सो वेल. And other than that, what are the things that students should know while coming to Canada? ओके लेट मी स्टार्ट विथ समथिंग वेरी सिंपल कि कनाडा जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले तो उनको ये मजा आ रहा होता है कि अब हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहेंगे, सो वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट टू. दे फेल्ट कि अब अपनी मर्जी के पिज्जास खाएंगे, बर्गर्स खाएंगे, जब मर्जी उठेंगे, जब मर्जी सोएंगे एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट एक्चुअली दे हैव टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ बिकॉज देर आर नो पेरेंट्स टू डिसिप्लिन देम नाउ. सो यहाँ पे आके दे शुड क्रिएट देयर ओन डिसिप्लिन, देयर ओन वर्क एथिक्स एंड स्टडी एथिक्स. पर एज आई टेल ऑल चिल्ड्रन डोंट मिस ऑन लाइफ क्योंकि कैनेडा आ रहे हैं तो येस डेफिनेटली आई वुड लाइक देम टू गो टू नायग्रा फॉल्स, गो टू ऑल द क्लब्स एंड पब्स दे वॉन्ट टू डू. मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ एंजॉय लाइफ बट स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, डू इट विद ग्रेट बैलेंस बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी 22, 24 अगेन आफ्टर 10 years वेन यू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट. यू विल नॉट बी अ न्यू इमिग्रेंट और अ न्यू स्टूडेंट अगेन आफ्टर 10 years. सो यू हैव टू एंजॉय द न्यूनेस पर उस न्यूनेस में अपने गोल्स अपने फोकस नहीं लूज करने ऑफ बीइंग इन कनाडा. एंड आप जो जिस काम के लिए आए हो, मैं बच्चों के साथ अपसेट हो जाती हूँ कि पेरेंट्स ने इतने पैसे स्पेंड करे. टुडे आई हर्ड $1 इज 57 Indian rupees, सो यू आर पेइंग 50 times मोर देन व्हाट यू वुड पे इन इंडिया अदरवाइज. एंड देन इंटरनेशनल कॉलेज फीस इज 3 times मोर देन व्हाट इट इज फॉर अ नॉर्मल कैनेडियन स्टूडेंट. सो इतने पैसे खर्च के कनाडा आ रहे हो तो मेक द बेस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी.